नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्य में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षकों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं मिसेस सिमी मनहास जोगदीप पब्लिक स्कूल से बोल रही हूँ, जो मोहना रोड बजावगढ़ में स्थित है। और इस स्कूल में मैं 15 सालों से काम कर रही हूँ। स्कूल यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है और आज बड़ी खुशी की बात है जो न्यूज़ चैनल ने हमें ये मौका दिया इस विषय में अपने विचार प्रकट करने का। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए एक केवल हम बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए पेरेंट्स, उसके लिए शिक्षक और बच्चा तीनों ही जिम्मेदार हैं। अगर एक पेरेंट्स बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, क्योंकि बच्चा पहले जो शब्द सीखता है वो घर से सीखता है। बच्चा शिक्षा के लिए सबसे पहले घर, उनके पेरेंट्स उन पर समय दें, अच्छे से समय देंगे तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा। दूसरा रोल शिक्षक का होता है, शिक्षक का ये फर्ज बनता है बच्चे को उसके हिसाब से शिक्षा दे। अगर बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे शिक्षा दें, और अगर बच्चा किसी और विषय में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो बच्चे को उसी तरीके की शिक्षा दें जिससे उसमें बच्चा आगे बढ़ सके। नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेवार कोई अकेला बच्चा नहीं है कि उसे कैसी वो दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। नैतिक मूल्यों के लिए जिम्मेवार हैं हमारा सबसे पहले हमारा पेरेंट्स। पेरेंट्स बच्चों पे आजकल आपको पता ही है कि इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है, हस्बैंड वाइफ दोनों पेरेंट्स हमारे जो हैं वर्किंग में हैं, जिसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। बच्चा एक एक मिनट के लिए पेरेंट्स से बात करने के लिए तरसता है, ये हमारा रीज़न है। और दूसरा कुछ जिम्मेदार हमारे शिक्षक भी हैं नैतिक मूल्यों में गिरावट का। उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपना पैसे का बेनिफिट ना सोच के, क्योंकि आजकल जो हमारे इंस्टीट्यूट, आजकल जो ट्यूशन सेंटर इतने ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है इतना डिप्रेशन में आ गया है कि वो मॉरल वैल्यू को ना सीख के वो केवल इसी बात को सीखता है कि कहाँ से वो अपने आप को ठीक से कर पाए, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, परंतु इतनी कई जगह ये सोचा जाता है, ज़्यादा अगर हम छोटी एज से बच्चे को हर विषय में बताने लगेंगे तो बच्चे के माइंड में केवल वही बातें घूमती रहती हैं। हमें बच्चे को छोटी उम्र से थोड़ी थोड़ी बातें बताने, जैसे गुड टच और बैड टच का आजकल आ रहा है ज़्यादा, कि बच्चों को ये बताएं छोटी उम्र में ही आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ इतना बताया जाए। लेकिन जो पूरी हमारी यौन शिक्षा के बारे में शिक्षा कम से कम 6 क्लास से बच्चों को उससे पहले नहीं दी जानी चाहिए। खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।